पटेल और आप देख रहे हैं पटेल नर्सिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि आईसीयू में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्सेट के प्रीवियस एग्जाम्स में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे आईसीयू रिलेटेड, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। पहला है एक्मो। एक्मो मशीन क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड ब्लड में ऑक्सीजनेशन, ब्लड का ऑक्सीजनेशन किया जाता है। अब लंग फेलियर जैसे केस में एंड सीरियस कोविड जैसे केस में जब लंग फेल हो गए, गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तब एक्मो मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, आम छोटे जो आईसीयू है वहां पे अवेलेबल नहीं होती है। अब आप सोच रहे हैं कि गैस एक्सचेंज एक्मो मशीन से होता है तो वेंटिलेटर क्या करता है? वेंटिलेटर का काम है एयर को लंग्स तक पहुंचाना, एंड यदि SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है तो कंसेंट्रेटेड ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं FiO2 इंक्रीज करके, जो कि 80%, 90%, 100% तक हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। पर जो मेन गैस का एक्सचेंज का काम है उसमें लंग्स को ही करना होगा। तो यदि उसके बाद भी गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो एक्मो मशीन यूज की जाती है। अब यह है एक्मो मशीन। यहां पे फीमोरल वेन से ब्लड आएगा और पंप तक जाएगा, पंप से ऑक्सीजनेटर तक जाता है जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज होने के बाद वापस बॉडी में फीमोरल आर्टरी में इस ब्लड को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके का इसका मैकेनिज्म है। बट इस केस में ऐसे पेशेंट के साथ एवरी सेकंड एवरी मिनट एक डॉक्टर एंड दो नर्सिंग ऑफिसर हमेशा रहते हैं। अगला इमेज है हमारा वेंटिलेटर। अलग अलग कंपनियां अलग अलग साइज शेप में वेंटिलेटर बनाती हैं, पर कुछ कॉमन सी चीजें हैं कि एक मॉनिटर होता है, ट्यूबिंग्स होती है जिसको हम वेंटी सर्किट कहते हैं, एंड फिल्टर होते हैं, कैथेटर माउंट होता है, इस तरीके का कुछ कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं और पेशेंट की ईटी ट्यूब से कनेक्टेड होता है। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमारा वेंटिलेटर का वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज टू मशीन। पहली मशीन है वेंटिलेटर एंड दूसरा है एनेस्थीसिया मशीन। इसमें कुछ चीजें सिमिलर हैं, जैसे कि मॉनिटर है एंड ट्यूबिंग्स है, बट क्या नहीं है, ये वेपोराइजर होता है, मेडिकल गैस फ्लोमीटर है, और ये है CO2 एब्जॉर्बर जो कि एनेस्थीसिया मशीन में होता है और वेंटिलेटर में नहीं होता। ये एनेस्थीसिया मशीन के पार्ट हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। ये है डायलिसिस मशीन। आईसीयू के काफी पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत होती है। अब यह मशीन भी क्या डिफरेंस है, एक तो होता है डायलाइजर जो कि आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है और दूसरा है पंप। बाकी ट्यूबिंग्स एंड मशीन सारा सपोर्ट है, पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके की मशीन को आइडेंटिफाई करना है। अगला है बेन सर्किट। बेन सर्किट को ओटी में यूज किया जाता है, तो मेडिकल गैस को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है, और आईसीयू में यूज किया जाता है। तो पेशेंट वेंटिलेटर से कनेक्टेड है तब वेंटी सर्किट यूज किया जाता है, पर यदि पेशेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है लाइक MRI या फिर कहीं और ट्रांसफर करने की जरूरत है, उस केस में ट्रांसफर करने के लिए बेन सर्किट यूज की जाती है। इसको ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके ईटी ट्यूब से ये ट्यूबिंग कनेक्ट करते हैं और यहां से एयर को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं। यह है लेरिंजोस्कोप विथ ब्लड। लेरिंजोस्कोप अलग अलग साइज है पेशेंट की एज एंड साइज के अकॉर्डिंग, और यह है हैंडल जिसमें यह बैटरी बैकअप होता है, बैटरी लगाई जाती है। इस बैटरी से यहां पे टॉर्च विजुअलाइजेशन के लिए लाइट सोर्स होता है। इसका अपडेटेड वीडियो लेरिंजोस्कोप जो कि अपडेटेड वर्जन है, और इससे बहुत ही आसानी हो जाती है पेशेंट को इंट्यूबेट करना, जिसे क्लियरली ट्रेकिया एंड लैरिंग्स को देखा जा सकता है। स्टीलेट। स्टीलेट यूज किया जाता है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में। ये एक मेटल रॉड होती है अलग अलग साइज में, पतली मोटी अलग अलग साइज में। अब ध्यान रहे स्टीलेट और एक और चीज है बूजी, इन दोनों का कंफ्यूजन ना हो। स्टीलेट एक मेटल डिवाइस होती है,
इसको ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और पेशेंट का जैसा एयरवे है उसके अकॉर्डिंग मोड़ के और फिर लगाया जाता है। ध्यान रहे कि स्टीलेट का जो टिप है वो ट्यूब के बाहर तक कभी नहीं जाता, ट्यूब के बाहर कभी नहीं जाता। इट मीन्स एयरवे के कांटेक्ट में स्टीलेट नहीं आएगा क्योंकि ये परफोरेशन क्रिएट कर सकता है। अगला है बूजी। बूजी एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल होती है और ये क्या होता है, पहले बूजी इंसर्ट की जाती है एयरवे में, बूजी को इंसर्ट किया जाता है, इसके बाद ईटी ट्यूब को डाला जाता है। तो ध्यान रहे एयरवे के कांटेक्ट में बूजी आती है और फिर इसके ऊपर ईटी ट्यूब को लगाया जाता है। स्टीलेट को कभी भी डायरेक्ट बॉडी एयरवे में इंसर्ट नहीं करते हैं। ईटी ट्यूब, ये दो तरीके की ईटी ट्यूब है। ये सिंपल है जिसमें कफ है, पायलट बलून है एंड ये ईटी ट्यूब है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है पर एक और यहाँ पे पोर्ट दिया है, वो कफ के ऊपर के सेक्रेशंस को सक्शन करने के लिए है। इसको बोलते हैं एबो द कफ सक्शन पोर्ट। अगला है ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब में ये भी है पायलट कफ, इसमें भी कफ के ऊपर के सेक्रेशन को रिमूव करने के लिए एबो कफ सेक्शन पोर्ट है एंड ये एक क्लाइंट में लगी हुई ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब है। ईटी ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर। ये कफ प्रेशर मैनोमीटर ईटी ट्यूब के या फिर ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के कफ के प्रेशर को मॉनिटर करता है एंड यदि कम है तो इसको पंप करके ज्यादा जरूरत के अकॉर्डिंग प्रेस किया जा सकता है। नॉर्मली ईटी कप का प्रेशर कितना होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो आपसे उम्मीद एक सब्सक्रिप्शन की है। यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो को। अगला है नेजर एयरवे। नेजर एयरवे रबर का या फिर सिलिकॉन का बना हुआ डिवाइस होता है जो कि नोस्ट्रिल्स में इंसर्ट करके एयरवे को पेटेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओरोफेरिंजियल एयरवे, ये प्लास्टिक का बना होता है और इसका मेन फंक्शन है कि टंग को फॉल बैक होने से प्रिवेंट करता है। कार्डियक मॉनिटर एंड मल्टी पैरामीटर जो कि एवरी पेशेंट के लिए यूज होता है। ब्लड वार्मर, नॉर्मली ब्लड को स्टोर किया जाता है ब्लड में, ब्लड बैंक में 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, और जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाना है तो उसको वार्म करके बॉडी के इक्वल टेम्परेचर में लाके और फिर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग साइज शेप में अवेलेबल होते हैं। इन्फ्यूजन पंप, ये यूज किया जाता है स्पेशली पेशेंट विद द कार्डियक ओवरलोड या फिर जिन पेशेंट को किडनी डिजीज है उनको स्पेशली एग्जैक्ट अमाउंट में फ्लूइड इन्फ्यूज करना होता है, इस केस में इन्फ्यूजन पंप यूज किया जाता है। वैसे ड्रॉप फैक्टर भी यूज करते हैं पर उसमें कहीं चांस होता है थोड़ा इनएक्यूरेसी का। सिरिंज पंप, इसका यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ट्रांसफ्यूशन के लिए। डिफिब्रिलेटर, कार्डिक शॉक डिलीवर करने के लिए डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है। एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये पेशेंट के चेस्ट पे लगी हुई पैड होती है जो कि जब भी कभी वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आइडेंटिफाई ऑब्जर्व होता है तो ऑटोमेटिक शॉक डिलीवर करेगा। आईसीयू बेड जो कि इस तरीके का होता है। डीबीटी पंप, नॉर्सेट के एग्जाम में बहुत सारी बार एक इमेज को दिखाया गया है कि ये क्या है, तो ये डीवीटी पंप मशीन है और डीवीटी स्लीव्स है। इसका यूज डीप वेन थ्रोम्बोसिस के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। इसका अपडेटेड वर्जन है सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, इसको बहुत बार डीवीटी पंप ही कहते हैं, पर इसमें क्या है मशीन होगी और ट्यूबिंग सिंगल ना होके तीन तीन एक साथ में होती है। कंप्रेशन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, इसी तरीके से दूसरे पैर में। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस है तो इसको डीवीटी पंप भी कहते हैं। अगला है एंट्रल फीडिंग ट्यूब, एक साथ में 200 ml सेकंड एवरली, हर 2 घंटे के बाद 200 ml फीड देने की बजाय यहाँ पे एक पंप से, फीडिंग पंप से रेगुलरली एवरी मिनट कुछ ड्रॉप फीडिंग दी जाती है।
LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे, इसको OT में यूज किया जाता है और ICU में भी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के टाइम पे यूज किया जाता है। ये कैसे? बहुत बार नॉर्सेट में क्वेश्चन इसका इमेज पे आया हुआ है। अब इसका जो लोअर पोर्शन है वो इसोफेगस को लॉक कर देता है और बाकी का जो है पूरे के पूरे लैरिंग्स को ये मास्क की तरह कवर कर लेता है, इसीलिए इसको लैरिंजियल मास्क एयरवे कहते हैं। तो लैरिंग्स को इस मास्क ने कवर कर लिया और बाकी इसके लोअर पोर्शन ने इसोफेगस को, तो एग्जैक्टली पूरा एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम भेज सकते हैं। ये है बाइपैप फेस मास्क। पेशेंट जब बाइपैप पे होता है तब इसको यूज किया जाता है। क्रश कार्ट, ट्रेडिशनल पुराने तरीके का क्रश कार्ट है और नए वर्जन जो है इसका, इसके ऊपर डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकेशन स्टोर एंड ड्रॉर्स सारे अवेलेबल होते हैं। स्पायरोमेट्री, इट इज यूज फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एयर मैट्रेस, बेड सोर के प्रिवेंशन के लिए ICU में यूज किया जाता है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, अब पोर्टेबल एक्सरे मशीन ICU में जरूर होती है। इसका मेन पर्पस है जब भी कभी CVP लाइन, सेंटर वेनस प्रेशर लाइन, या फिर डिफिकल्ट RT था, RT इंसर्शन काफी डिफिकल्ट था, कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो उस केस में एक्सरे करना बहुत जरूरी है एंड पेशेंट को एक्सरे के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। ICP मॉनिटर, ICP मॉनिटर एक कार्डिक मॉनिटर की तरह ही दिखने वाला मशीन है, बट जब भी कभी ये इमेज आएगा तो इस तरीके के हेड पर लगी हुई डिवाइस भी साथ में दिखाएगा, तो ये है ICP मॉनिटर। ECG मशीन अलग अलग साइज में, शेप में अवेलेबल है मार्केट में। USG मशीन पोर्टेबल होती है। ब्लड गैस एनालाइजर, आर्टेरियल ब्लड गैस और वेनस ब्लड गैस के एनालिसिस के लिए इस गैस एनालाइजर की जरूरत होती है ICU में। एम्बू बैग, हर एक बेड पे एम्बू बैग अवेलेबल है। रिफ्लेक्स हैमर, कॉटरी मशीन एंड पेंसिल, ये भी बहुत बार नॉर्सेट में एक पूछा गया क्वेश्चन है। इसका यूज टीनी ब्लड वेसल्स को बर्न एंड सील करने के लिए यूज किया जाता है। सक्शन मशीन, वैसे तो पोर्टेबल सेक्शन मशीन की ICU में जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहां पे सेंट्रल कनेक्शन होता है, बट इट इज ए मशीन। पल्स ऑक्सीमीटर, सेंट्रल पैरामीटर में जो मशीन होता है उसमें अवेलेबल होता है, बट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है। नेबुलाइजेशन मशीन, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है उनको इससे दिया जाएगा और जो पेशेंट इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर है, उसको नेबुलाइजेशन टीपीस के द्वारा यूज किया जाता है। अब ये वेंटी सर्किट है, फिल्टर है, फिल्टर के बाद एंड ET ट्यूब के पहले इस टीपीस को, नेबुलाइजेशन टीपीस को कनेक्ट करके नेबुलाइज किया जाता है पेशेंट को। एंड टीपीस, टीपीस क्या है, वीनिंग प्रोसेस में इंट्यूबेशन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, इसके बाद धीरे धीरे जब रिक्वायरमेंट कम होती है तो ET ट्यूब को निकालने से पहले टी पीस पे रखा जाता है। सिर्फ ट्यूब है, बाकी पूरा वेंटिलेशन पेशेंट सेल्फ कर रहा होता है इसमें, तो एक ट्रायल होता है कि पेशेंट सेल्फ ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको टी पीस कहेंगे, इस कनेक्शन को टी पीस कहते हैं। आज का बस इतना ही काफी है। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।